हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं दाचीगाम, तो काफी मजा आएगा। तो आज हमारा फर्स्ट विजिट है दाचीगाम। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम दाचीगाम। तो यार कितना टाइम लगा हमें यहाँ तक? आधा घंटा लगा हमें यहाँ। तो गाइस फाइनली हमने एंट्री ली है। तो यहाँ पे कुछ आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, नाम और कॉन्टेक्ट नंबर। यह दाचीगाम में तो यहाँ पे आपको कुछ ऑनलाइन परमिशन लेनी होती है, लेकिन हमने वहाँ पे मैन्युअली अपना नाम एंटर किया और कॉन्टेक्ट नंबर एंटर किया। तो यहाँ से बोल रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ से, देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत सीनरी है। कर लो कि कितना ज्यादा ग्रीन है, रास्ता काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, अच्छा मौसम है यहाँ का। लिखा है आपको लेपर्ड। तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू आवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे होगा क्या बोलते हैं और उसको बियर हाँ। तो चेक कर लो गाइस, ये है वाइल्ड बियर। यहाँ पे आप देखते हैं ब्लैक सनबियर। लो ये है वाइल्ड बियर। तो यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है यहाँ पे। ये कौन सा बियर है यार? अच्छा ठीक, ये वाला है सन बियर। तो ये आप देख चेक कर लो, लेकिन कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ये काफी ज्यादा बड़ा है। और इसके दांत देख लो। अभी क्या देखना है? देखा हमने सिर्फ दो जानवर देखे हमने, कौन कौन सा? लेपर्ड और सन बियर। और क्या है यहाँ पे? ये है खौफनाक रास्ता। क्या ये? वो देख लो गाइज, ये है लेपर्ड। तो फिलहाल गाइज हमने देख लिया है लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड और ब्राउन बियर। क्या है और उसका नाम क्या था? सन बियर। सन बियर। और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो जो यहाँ का वाइल्ड लाइफ का जो रेंजर है उसने बोला कि यहाँ पे फिश पॉइंट भी है। तो अभी हम जाएंगे फिश पॉइंट को भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे फिश पॉइंट कैसा है यहाँ पे।
गाइस चेक कर लो ये कितना खूबसूरत स्प्रिंग है और इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आई डोंट नो कैमरा में आपको भी आ रही है मेरी आवाज़, बट ये वाला पॉइंट यार अगर आप दाचीगाम आना चाहते हो तो इस वाले पॉइंट पे ज़रूर रुकिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट है। तो यहाँ से देखो ये जो पानी आप देख रहे हो, देखो इसको कि इसका कितना फ्लो तेज है। ये देखो रूट्स भी निकल चुके हैं, देखो रूट्स का कलर क्या है। आगे हमें फिश पॉइंट पे जाना है तो यहाँ से भूख भी काफी ज्यादा लगी है हमें। ले देख लो यार क्या, और व्यूअर्स को दिखाओ चेक आउट द ब्यूटी गाइज। रहे थे रास्ते से तो ये देखो यार ये वाला व्यू भी कितना खूबसूरत है। साइड एक तो ये इस साइड से और उस साइड से घूम के आता है पानी। चल रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी हम पढ़ेंगे ये वाला बोर्ड, देखेंगे इसमें क्या है। तो दाचीगाम नेशनल पार्क द्रफामा दिखा रहा है 4 किलोमीटर, पहलीपोरा 8 किलोमीटर, नंबल बीट, महादेव बीट, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से है, फिश फार्म यहाँ से हमें जाना है फिश फार्म, क्योंकि जो ऊपर वाले जो भी एरिया है उनके लिए आपको परमिशन लानी पड़ेगी, तो जो कि हमारे पास है नहीं क्योंकि हम ट्राउट फिश फार्म लहरी बल इसको बोलते हैं। तो देखेंगे कौन सी फिश है यहाँ पे। ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट है, सराउंडेड बाई माउंटेन्स। भाई चेक कर लो कितनी बड़ी मछलियाँ है यहाँ पे। यावर आपको क्या लगता है एक को पकड़ो? हाँ तो गाइज आपने देखा यावर ने एक मछली को पकड़ने की कोशिश की। चेक कर लो यहाँ पे कितनी ज्यादा मछलियाँ है। तो गाइज अभी हम कोशिश करेंगे मछली को पकड़ने की। यावर ये किसी एक किसी एक खोसान तो बोल। देखो यार कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ के, है ना, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो फिलहाल गाइज निकल चुके हैं हम दाचीगाम से वापस। गाइज देखते हैं क्या खाते हैं हम, व्लॉग के साथ बने रहिए। और कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, तो दाचीगाम कैसा लगा आपको, जितना हो सका उतना हमने एक्सप्लोर किया, तो कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आगे भी देखते हैं कुछ खाएंगे अच्छे से। स्टे कनेक्टेड गाइज। तो फिलहाल गाइज आ चुके हैं हम शक्ति के पास, कुछ खाएंगे। ऑर्डर किया है क्या बोलते हैं उसको, छोला पूरी, छोला पूरी, छोला पूरी हमने ऑर्डर। तो फिलहाल गाइज आ चुके हैं हमारी छोला पूरी, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। यावर आपको लगी है भूख, सच बोलना तेरी का सच। चीज़ इसके ऊपर फाइनली गाइस हो गया खाना पीना हमारा एंड हम जा रहे हैं अब घर। गाइस इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। तो अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय।